लिटरेचर रिव्यू जो है वो इम्प्रूव करना है अपने फाइनल के अंदर, राइट? और जिस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें उसमें लिटरेचर रिव्यू बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लीज रिमेम्बर कि जो थ्योरेटिकल क्लासेस होती हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है आपका क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल क्लासेस का ऑब्जेक्टिव होता है थ्योरी क्रिएशन, राइट? तो बस इस वजह से ही मैं आप लोगों से बार बार पूछती रहती हूँ, क्योंकि आप लोग दूसरों की थेरीज पढ़ते हैं और अपनी जो है वो नई थेरी जो है उसको आप क्रिएट करते हैं। सो ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिकली यही होता है कि आप लोग जो है वो लिटरेचर को रिव्यू करें, फिल्म को देखें, लिटरेचर को रिव्यू करें। और मुझे सिर्फ ये बताइए कि हैव यू एवर कम अक्रॉस अ वर्ड लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट? नो मैम, ऑल राइट, अगर आपने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं सुना हुआ तो बाकियों ने भी नहीं सुना हुआ। इब्तिसाम, शिजा, जी शिजा, नहीं मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैन यू प्लीज रिपीट बिकॉज मैंने अभी ज्वाइन किया। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि हैव यू एवर कम अक्रॉस अ वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट? स्टेटमेंट फेसमेंट और प्लेसमेंट, स्टेटमेंट, जैसे आप बयान नहीं देते कोई। जी मैं सुना हुआ प्रॉब्लम स्टेटमेंट का तो कि लाइक हाँ, सो द मेजर इशू वन इज फेसिंग, मतलब जो वन ओवरऑल इज पूरा, फेसिंग देयर इन हिज होम। नो मैम, इट्स लाइक व्हाट एवर इश्यू इज हैपनिंग उसका जो मेजर क्या प्रॉब्लम है, क्या मेजर कोई भी कहाँ पे कोई भी जो इवेंट हो रहा है या कोई भी कोई इश्यू है तो वहाँ पे मेजर जो प्रॉब्लम क्या फेस क्या कर रहे हैं लोग। इट कैन बी एनीथिंग, कोई वॉर जोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑल राइट, शिजा, आपको ये याद रहना चाहिए वाइल आंसरिंग के हमारे कोर्स का नाम है फिल्म थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, राइट? और दूसरी बात ये जो है कि जब हम ये इस कोर्स में मुख्तलिफ फिल्म्स या टीवी प्रोडक्शंस या कोई भी मीडिया से रिलेटेड मूविंग इमेज या कोई भी चीज़ हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसका ताल्लुक जो है उस हमारे कोर्स वर्क से होता है, राइट? सो इफ आई एम सेइंग के प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या चीज होती है, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ताल्लुक भी डेफिनेटली फिल्म थ्योरी से ही है, या किसी ना किसी फिल्म से है, या किसी ना किसी और मीडिया प्रोडक्शन से है। तो आपका जवाब, वैसे तो अगर आप उसको कहें कि शायद हम उसको प्रॉपरली, हम उसको कह तो सकते हैं कि काइंड ऑफ आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उसका आपने फिल्म से कनेक्शन जो है वो आपको कैसे, आप इलेबोरेट करेंगी ऑन दैट वन? फॉर इंस्टेंस आपने मिड टर्म में टॉम एंड जेरी और फॉल्स अलार्म थ्योरी पे फोकस किया था, लाफ्टर पे। शिजा, आप हो गई जी मैं सोहेब समझ के, गई, जी अभी कनेक्शन जी था। जी जी सो कोई आई बात नहीं। आप रिपीट इट। इट्स लाइक के द मेजर इश्यू जो फिल्म में डिस्कस हो रहा है, मे नहीं, बी वी कैन फिल्म से इट में लाइक दिस देखिए, वे। फिल्म में डिस्कस हो रहा है मेजर इशू, वो भी आप 100% इस वजह से नहीं कह सकते कि फॉर इंस्टेंस जब एक एक पाकिस्तानी फिल्म है जिसका नाम है बोल, शोएब मंसूर की, आई थिंक एवरीबडी इज फेमिलियर विद इट। और आई थिंक कि क्लास में एक दो लोगों ने अटेम्प्ट किया कि वो बोल पे अपना मिड टर्म सबमिट करें। आप लोग ये याद रखिएगा कि आई कीप ऑन एम्फसाइजिंग कि आप लोग नई फिल्म लिया करें कोई, नई फिल्म का मतलब है कि पिछले एक दो साल की कोई फिल्म लिया करें। तो फॉल्स अलार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कंडीशन थी वो उस पे आपके टॉम एंड जेरी या किसी भी और जिसमें आप ह्यूमर डिस्कस कर रहे हो उस पे ये कंडीशन नहीं थी कि आप कोई लेटेस्ट उसके ऊपर जाएं। लेकिन अब मैं आपसे बात कहने का मतलब ये था कि इफ यू आर सेइंग कि टॉम एंड जेरी जो है वो इनकॉन्ग्रुअस एनवायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं, एंड डिविएशन ऑफ एक्सपेक्टेशन मेक्स ऑडियंस लाफ, राइट? तो
ये आपका थीसिस स्टेटमेंट है, आपका क्लेम है, एंड यू विल राइट योर होल पेपर अराउंड दिस थीसिस स्टेटमेंट कि हाउ इनकॉन्ग्रुअस सिचुएशंस आर क्रिएटेड इन टॉम एंड जेरी एंड हाउ यू डिविएट फ्रॉम वन एक्सपेक्टेशन टू अनदर, फ्रॉम वन इमेज टू अनदर. ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन फेलियर और फिर लर्निंग दैट द अलार्म दैट वाज गोइंग ऑन इन माय हेड वाज फॉल्स, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपकी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हिस्सा होते हैं. दैट यू आर क्लेमिंग के टॉम एंड जेरी जो है एवर सिंस इट वाज क्रिएटेड इट इन्वॉल्व्स इमेजेस दैट लीड टू द गार्डन पाथ ऑफ समथिंग, राइट. तो आप इस किस्म की जो प्रॉब्लम जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, व्हाट इज मेकिंग पीपल लाफ, हाउ पीपल आर डिविएटिंग फ्रॉम वन एक्सपेक्टेशन टू अनदर, जो इमेज से जो डिविएशन आप एक्सपीरियंस करते हैं, सो दैट इज बिकम्स पार्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग प्रॉब्लम कि एक्चुअली हुआ क्या है, व्हाई वी आर लाफिंग एंड व्हाई पीपल आर लाफिंग लाइक हेल, व्हाट क्रिएट्स द आहा मोमेंट इन इन द ऑडियंस माइंड एक्सेट्रा. ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली यही होती है कि व्हेन यू आर व्यूइंग और व्यूइंग अ फिल्म और व्हेन यू आर वाचिंग समथिंग लाइक टॉम एंड जेरी और समथिंग एल्स लाइक मिस्टर बीन, तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ सिचुएशंस क्रिएट हो रही होती हैं दोज बिकम पार्ट ऑफ यू नो लाइक योर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. व्हाट यू थिंक is making people laugh, aap usko jab describe karte hai, to that is your problem statement and then you write your whole paper around that particular problem statement. ठीक है, तो वो अभी मैंने आप सब लोगों के जो मिड टर्म एग्जाम में जो एक चीज नोटिस की वो ये थी कि मोस्ट पीपल आर एक्चुअली नॉट इवन श्योर कि उनका मिड टर्म एग्जाम है क्या, बिकॉज पीपल प्रेजेंटेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्म्स, पीपल प्रेजेंटेड ऑन identification with certain characters in certain films, right? Without realizing ke when I asked them to identify, to identification ki hawale se to humne class mein do teen readings padhi thi and I also repeated ke class mein bahut sari readings uploaded hain which are actually related to identification. राइट, अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ पे और हेडिंग्स में अगर आप फॉर इंस्टेंस ये देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी पड़ा होगा और हिजाब के ऊपर एक हिजाब और अबाया पे भी एक रीडिंग पड़ी होगी. तो बेसिकली यू वुड रियलाइज कि अगर आप इन डिफरेंट टॉपिक्स को अगर देखे जाएं, ये देखें ये है डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी एंड ऑपरेशन एंड अबाया. तो दीज टाइप्स ऑफ थिंग ऑल्सो प्ले सम सॉर्ट ऑफ रोल इन द क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ वन्स आइडेंटिटी, राइट. तो मैं आपसे ये कह रही थी कि जो स्टूडेंट्स ने अपनी कैरेक्टर्स के साथ आइडेंटिफिकेशन की, सम ऑफ देम वर डिस्कसिंग द फिल्म एंड देयर पर्सनल आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन वेल, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छी डिस्कशन के बीच में दे डिड नॉट ऐड लिटरेचर, राइट. सो जो आपकी असाइनमेंट वन थी वहां तक तो ठीक था कि आई आस्क यू टू आइडेंटिफाई विद कैरेक्टर्स ताकि आई कैन सी कि आप लोग कैरेक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं. बट व्हेन इट कम्स टू योर मिड टर्म एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर फाइनल एग्जामिनेशन इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हाउ यू आर यूजिंग थ्योरी फॉर डिस्कशन. ठीक है, तो वो आइडेंटिफिकेशन के ऊपर यू विल फाइंड अ फ्यू डिफरेंट रीडिंग्स इन गूगल क्लासरूम, जिसमें ये भी है, जिसमें एक तो ये था व्हाट शेप्स माईसेल्फ जो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है. ठीक है, व्हाट शेप्स माई सेल्फ के अलावा बॉयज गर्ल्स एंड देयर मीडिया इमेजेस, और फिर ऑपरेशन एंड बाया डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी. और जब आप इन इसमें शुरू वाली उसमें जाएंगी यहाँ पे आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन में, तो यू वुड रियलाइज कि यहाँ पे मैंने और चीजें भी पोस्ट की हुई हैं. आप देख रहे हैं यंग एडल्ट्स के नाम से पड़ी हुई है, और फिर यहाँ पे ये चिल्ड्रन एंड देयर आइडेंटिटी, फिर चिल्ड्रन एंड आइडेंटिटी के ऊपर दो तीन और टॉपिक्स पड़े हुए. सो ऑल दीज थिंग्स आर वन वे और द अदर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें इवन ये भी है कि बच्चे जो एक्सपीरियंस करते हैं फॉर इंस्टेंस फियर, जब श्रीलंका में आपको मालूम होगा कि
बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स आए और पाकिस्तान में आया अर्थक्वेक वगैरह, तो देर आर ऑल्सो रीडिंग्स के हाउ दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस अफेक्ट स्टूडेंट्स, सॉरी चिल्ड्रंस आइडेंटिटी और वन्स आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन. ओके, तो आप लोगों ने जो आइडेंटिफिकेशन विद कैरेक्टर्स की हुई थी मिड टर्म एग्जाम में, उसमें लिटरेचर पार्ट जो था वो ना होने के बराबर था. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर मिड और फाइनल एग्जाम, तो लिटरेचर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने अरबाब की देखी प्रेजेंटेशन, अरबाब का ज्यादातर काम जो है वो सेमेस्टर में अच्छा है, काफी अच्छा है. लेकिन मिड टर्म में आई हैड दिस फीलिंग के लिटरेचर जो है वो थोड़ा सा और चाहिए, बिकॉज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास इज थ्योरी कंस्ट्रक्शन. इसका मकसद ये है कि यू रीड अदर्स अदर पीपल्स थ्योरीज एंड देन यू स्टार्ट योर ओन, स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन थ्योरी. तो आपने जो पहली थ्योरी पढ़ी होती है उससे आप आगे चलते हैं, यू आर ट्राइंग टू एड समथिंग न्यू. अब मिड टर्म में मैं देख रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनका प्लेजरिज्म काम में आया और प्लेजरिज्म अप टू 71% आया. तो यू वुड रियलाइज कि 71 इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ 17 जो कि एचईसी अलाउ करता है. तो 71 पर 17 एंड अबव को यूनिवर्सिटी रिक्वायर्स कि वी शुड फेल दो स्टूडेंट्स जिनका प्लेजरिज्म इज मोर देन 17%. तो एक तो ये इश्यूज थे, क्लास में 6-7 लोग हैं जिनका प्लेजरिज्म जो था वो 17 एंड अबव था. इट्स नॉट वन पर्सन, इट्स मेनी पीपल. और फिर सम पीपल सेंट मी मैसेजेस के मैम हम जो हैं गूगल से चूंकि डेटा सर्च कर रहे थे तो दैट्स व्हाई, दैट्स हाउ वी एंडेड अप राइटिंग समथिंग जिसमें आपको सिमिलैरिटी आ गई. और आपसे आप यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट पीपल हु हैव प्रेजेंटेड इन क्लासरूम सम ऑफ देम एक्चुअली गॉट ए बिकॉज दे ट्राइड यूजिंग देयर माइंड्स, दे ट्राइड यूजिंग देयर हेड्स. शिजा की बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, सुहेब किरवानी की बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, यासिर वर्कड वेरी हार्ड ऑन हिज मिड टर्म प्रेजेंटेशन एंड मिड टर्म एग्जाम. और बल्कि उसने इमेजेस के ऊपर और उनकी इंटरप्रिटेशन पे इतना ज्यादा काम किया था कि मैंने उसको कहा कि यू हैव लर्न्ड प्रिसाइजली हाउ टू इंटरप्रेट इमेजेस, हाउ टू डिस्कस जक्स्टापोजिशन ऑफ इमेजेस एंड जक्स्टापोजिशन ऑफ इमेज एंड साउंड वगैरह. तो आई सेड कि अब नाउ यू हैव टू लर्न, फोकस इस चीज पे करना है फॉर योर फाइनल एग्जाम कि इमेज की जो डिस्कशन है या जो साउंड की डिस्कशन है हम उसको उतना इस्तेमाल करें जितना एब्सोल्युटली एसेंशियल है, राइट, ओवर यूज ना करें. तो बिकॉज आई एम सेइंग कि ही नोज एक्सट्रीमली वेल हाउ टू डिस्कस एन इमेज, शीता नोज एक्सट्रीमली वेल हाउ टू डिस्कस एन इमेज एंड देर आर सर्टन अदर स्टूडेंट्स इन क्लास. आई थिंक के मानूर और मानूर साकिब और कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं हु नो वेल हाउ टू डिस्क्राइब इमेजेस. और जो TFT के स्टूडेंट्स हैं उनका तो ताल्लुक ही इमेजेस के साथ है, राइट. सो बेसिकली आपको सिर्फ इमेज नहीं डिस्कस करनी, TFT के स्टूडेंट्स आई वुड से इन पर्टिकुलर के थ्योराइज करना है व्हेन यू डिस्कस एन इमेज इन रिलेशन टू अनदर आर्टिकल, you know, on what shapes myself or on identity construction. That's where you create a connection between image and theory. And that point onwards, you also create your own theory. क्योंकि जब मैं आपसे कहती हूँ कि जब आप कोई quotation इस्तेमाल करें तो आप उसको discuss करें, okay? Explain करें सबसे पहले quotation को, उसके बाद discuss करें. Explain इसलिए करें कि you would understand something else and I would understand something else. और शीजा ने अभी जो थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्क्राइब किया था कि फिल्म के अंदर जो कुछ होता है उसको हम अगर डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट इज नोन एज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो मैंने कहा था कि पार्टली करेक्ट, क्योंकि एक फिल्म जो कि पाकिस्तानी फिल्म बोल है उसमें किसी को नजर आता है वुमेन्स ऑपरेशन और किसी और को नजर आता है मौलवी साहब के की जो पॉपुलेशन रिलेटेड के ही हैज टू मेनी चिल्ड्रन, तो उनको जो इशू मुख्तलिफ लोगों को नजर आएगा वो फर्क होगा, राइट. सो इफ समबडी स्टार्ट्स राइटिंग ऑन पॉपुलेशन प्लानिंग आफ्टर वॉचिंग बोल तो वो पॉपुलेशन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम स्टेटमेंट देगा कि एक मौलवी जिसकी इनकम बहुत कम है एंड ही हैज टू मैनी डॉटर्स और एंड ही लिव्स इन द रेड लाइट एरिया जो कि वहां पे मौजूद जो रेड लाइट कनेक्शन है वहां से जो
लोग हैं फ्रॉम द रेड लाइट एरिया, दे बिकम इंटरेस्टेड कि दिस मैन प्रोड्यूसेस डॉटर्स, तो वो उसको फिर एंगेज कर लेते हैं फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स ऑफ द फ्रॉम वुमेन इन द रेड लाइट एरिया. तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल एक फर्क प्रॉब्लम स्टेटमेंट है फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच इज ऑल्सो देयर इन बोल, जिसमें ट्रांसजेंडर चाइल्ड की बर्थ और उसकी ब्रिंगिंग अप के इश्यूज हैं कि हमारे यहाँ हाउ ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन आर इग्नोर्ड, राइट, कि शुरू से ही सोसाइटी के अंदर उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड के वन फिल्म कैन प्रेजेंट वन वन फिल्म कैन बी यूज्ड टू प्रेजेंट मोर देन वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. ओके, कि ट्रांसजेंडर के इश्यूज अलग हैं, विमेन ऑपरेशन के इश्यूज अलग हैं, पॉपुलेशन प्लानिंग के इश्यूज जो अलग हैं. सो वन फिल्म कैन बी यूज फॉर फॉर forming three different problem statements, तो जिसका मतलब है कि तीन different papers can be written on that particular film at least, ठीक है? तो I hope you understand कि मैं आप लोगों के जो midterm मैंने आपसे जो majority people का जो मैंने midterm पढ़ा उसमें मुझे यही लगा कि people were trying to review film, लेकिन people were not aware कि जब वो film को review करते हैं या किसी भी चीज को review कर रहे होते हैं तो उसके around they think of it के what is the social problem that particular film is representing. For instance जो मैंने अभी बोल के हवाले से बात की के मौलवी साहब को रेड लाइट एरिया के जो हैं वहाँ पे साका जो उसका मेन कैरेक्टर है, दूसरा एंटेगनिस्ट जो है, वो मौलवी साहब को एंगेज करता है फॉर प्रोड्यूसिंग डॉटर्स विद द वुमेन ऑफ द रेड लाइट एरिया. तो रेड लाइट एरिया का चलना, वहाँ पे बेटियों को वहाँ पे उनकी ज़रूरत होना और वुमेन को वहाँ उस कंजम्पशन फैक्ट्री का पार्ट बन जाना इज अ सर्टन टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट. टॉम एंड जेरी से लाफ्टर क्रिएट होना या एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना कि दिस पर्टिकुलर फिल्म जो है इट यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस टू मेक पीपल लाफ, मिस्टर बीन के हवाले से ऐसी स्टेटमेंट देना, तो ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिस्सा होते हैं. और जो आपके मिड में जो मुझे जिन लोगों का मिड बहुत अच्छा नहीं था या जिन्होंने आइडेंटिफिकेशन अच्छी कर ली थी बट दे कुड नॉट थिंक ऑफ इट कि जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम कैसे क्रिएट करें. एक स्टेटमेंट होती है ना, ये फिल्म के साथ बेशुमार लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इफ आई एम वॉचिंग अ फिल्म आई विल आइडेंटिफाई विद इट डिफरेंटली देन यू वुड आइडेंटिफाई विद इट, क्योंकि एक फिल्म के अंदर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं. सो आपको बेसिकली यही जो चीज़ें हैं जब आप अपना फाइनल एग्जाम कर रहे हों तो यू शुड थिंक अबाउट इट, स्पेशली इफ some of you are trying to use your old questions for writing a better paper. तो उसमें आप ये ख्याल रखिएगा कि this time it should be very clear what type of theory you are creating after watching the film. Theorizing जो है वो that is part of this work. ठीक है, कोई question है तो पूछिए. जी मिस, मिस जब आप कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन कर रही हैं तो उसमें तो आपने सिर्फ अपने कैरेक्टर की आइडेंटिफिकेशन करनी है किसी फिल्म के फिक्शनल कैरेक्टर के साथ. नहीं, लेकिन वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं है ना, कि आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन भी है. आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन पे तो बेशुमार लिटरेचर मौजूद है और आपको मैंने अभी दिखाया कि गूगल क्लासरूम में भी आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन पे तो काफी सारी रीडिंग्स तो वहां भी पड़ी हुई है एंड यू कैन फाइंड मोर रीडिंग्स. तो आपको हर फिल्म के अंदर जब आप कैरेक्टर्स मौजूद हैं तो उस कैरेक्टर की आइडेंटिटी बिल्डअप होने में उस कैरेक्टर की जो सिचुएशंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. एंड इन योर पेपर आई डिड नॉट फाइंड कि मेरा अब मुझे जबानी तो याद नहीं है कि किसकी क्या सिचुएशन थी, बट आई रियलाइज कि पीपल वर डिस्कसिंग समरीज ऑफ फिल्म, जिसके लिए मैंने खास तौर पे मना किया था कि आप लोग कोई भी फिल्म की समरी नहीं डिस्कस करेंगे. आई सेड समरी शुड बी शॉर्ट. समरी जो है फिल्म के अंदर की स्टोरी क्या है वो 3-4-5 लाइनों से ज्यादा आप एक्सपेंड ना करें. एंड आई सेड के यू कैन डिस्कस सीन जिसमें आप ये बताएंगे कि व्हाट इज हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर सीन जिससे उसकी आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन पे इम्पैक्ट आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने खानी को डिस्कस किया एंड आई थिंक वन ऑफ द स्टूडेंट्स डिड डिस्कस खानी, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी ये तो बहुत ही वायलेंट और एग्रेसिव हेडस्ट्रॉन्ग किस्म का कैरेक्टर है.
उसके अंदर फिल्म में बेशुमार सिचुएशंस होंगी दैट आर शोइंग कि दिस कैरेक्टर इज वायलेंट, ही इज हेडस्ट्रॉन्ग, एक लड़की को फोर्स कर रहा है, तो वो फोर्स करने वाली सिचुएशन को उसको डिस्कस करना चाहिए कि हाउ डू वी लर्न दैट दिस कैरेक्टर इज फोर्सिंग द अदर कैरेक्टर. उस सिचुएशन के अंदर वो सारा कुछ मौजूद होगा, डायलॉग्स मौजूद होंगे, एंड देन गो टू थ्योरी एंड ट्राई टू डिस्कस के ये जो इस किस्म का बिहेवियर है या एटीट्यूड है उसको थ्योरी से लिंक करना एंड देन फर्दर थियराइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फिल्म. तो आप जो भी जो है वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर ओन आइडेंटिफिकेशन विद द कैरेक्टर. अब आप देखें कि एक स्टूडेंट है जो ये कह रहा है कि जी मैं जिस कैरेक्टर से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है. एट द सेम टाइम ही सेइंग कि जी वो पॉलिटिकल एनालिस्ट के अलावा बाद में एक सोल्जर जैसा रोल प्ले करता है. नाउ द कैरेक्टर डज नॉट से के वो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उसकी उसकी आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन क्या है. There would be a certain situation in the film जो कि political analyst की identity construction को highlight करी होगी कि ये किस तरह का आदमी है. That situation would be important. उसी तरह जो soldier है उसका भी जो aspect है, कोई ना कोई कि soldiers जो हैं वो अपनी nation के लिए या for their country what they can do. And if you think कि somebody else is doing similar thing, how and why you are identifying with a particular character, तो वो सारी चीजें जो हैं वो सिचुएशन बिल्डअप ही नहीं हुई पेपर के अंदर, ये बिल्डअप ही नहीं हुआ कि ये किस तरह का कैरेक्टर है. और उसमें ये चीज कहना कि जी ये बार बार चूंकि चेंज करता रहता है तो मैं भी चेंज कर देता रहता हूँ, ये सफिशिएंट नहीं है क्योंकि जो सिचुएशन आपने मैच की उन सिचुएशंस में कोई सिमिलरिटी नहीं है दूर दूर तक. फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट के क्या गोल्स थे या सोल्जर के क्या गोल्स थे, उन गोल्स वो गोल दोज गोल्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर सिलेक्टिंग अ फिल्म. तो उस सोल्जर की आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई सिचुएशंस नहीं डिस्कस हुई हुई पेपर के अंदर, ठीक है, कि उसकी आइडेंटिटी किस तरह की थी और किस तरह की कंस्ट्रक्ट हुई. जस्ट गिविंग ब्लैंक जो ये ब्लैंड स्टेटमेंट है कि जी आई आइडेंटिफाई विद दिस कैरेक्टर, व्हाई देयर इज नॉट इवन वन थिंग दैट कैन प्रूव और दैट कैन प्रूव अ लिंक बिटवीन आइडेंटिफिकेशन विद अ कैरेक्टर लाइक दिस. मिस मैंने उसमें सीन्स ही डिस्कस किए हुए थे बट आपने बोला कि वो मतलब सीन्स का आपने बोला कि वो समरी डिस्कस की बट वो सीन्स डिस्कस किए हुए थे. अब सीन्स के अंदर हम यही बताएंगे ना कि सीन के अंदर हो क्या रहा है, या आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रही हैं? नहीं, मैं अब इस चीज को आई कैन नॉट कंटिन्यू डिस्कसिंग फॉर एवर. मैं इस चीज को कोई 3-4 दफा पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि सीन की डिस्कशन, मुझे उसमें सीन की डिस्कशन नहीं आई, मुझे समरी टाइप ऑफ डिस्कशन नजर आई उसके अंदर, समराइजिंग के जी इसके अंदर क्या हो रहा है. तो मैंने आपसे कहा कि मैं समरीज से ज्यादा सिचुएशन, आप देखें यासिर का जो, यासिर ने बहुत लंबी प्रेजेंटेशन दी थी, यासिर सिचुएशन को ब्रेक कर रहा था. ही वॉज स्टेइंग एट वन इमेज एंड सेइंग व्हाट इज हैपनिंग इन दिस इमेज एंड देन ही वॉज टॉकिंग अबाउट अनदर, देन ही वुड स्टॉप अनदर इमेज एंड डिस्कस के व्हाट इज द चेंज फ्रॉम फर्स्ट इमेज टू सेकेंड इमेज. सुहेब किरमानी ने भी प्रिसाइजली यही किया था कि उसने दो डिफरेंट इमेजेस को साइड बाय साइड प्लेस करके बताया कि व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम व्हाट इज द चेंज दैट इज देयर फ्रॉम इमेज वन टू इमेज टू. तो आपसे मैं सिंपली यही कह रही हूँ कि आई नो कि यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट बट एट द सेम टाइम आपने जो सिचुएशन को आपने डीकोड करना है, सिचुएशन को फुली अंडरस्टैंड करना है, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड कि आपने मतलब उसके ऊपर आपने मिड टर्म के अंदर आपने जो रिक्वायर्ड काम था वो मुझे नजर नहीं आया कि आपने उसको थ्योरी बिल्डअप की या आपने सिचुएशन से आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन के अलावा से के हवाले से सिचुएशन को आपने कैसे डिस्कस किया. तो आई थिंक दैट इज समथिंग जो आपको फाइनल में वो बिल्डअप करनी पड़ेगी आपको. यू शुड बी मोर अटेंटिव एंड आई थिंक के अभी फॉर इंस्टेंस आपको ये एक सिचुएशन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है तो इस सिचुएशन का टाइम एंड हिस्ट्री से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. तो आप टाइम एंड हिस्ट्री के साथ वो जो आपने जो भी फिल्म सिलेक्ट की पोलिटिकल एनालिस्ट की, उस पोलिटिकल एनालिस्ट का भी टाइम एंड हिस्ट्री से कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा. And then think about your own relationship with time and history. तो आप ये देखें ना कि political analyst या soldier उठाएंगे तो उस story के background backdrop में कोई ना कोई चीज जरूर होगी. I have no clue कि जो film आपने select की उसके background में कोई world event या important situation है या नहीं है. Swiggy miss है ना?
तो अगर वर्ल्ड इवेंट और सिचुएशन मौजूद है तो फिर आप वो लिंक एक तो अपने पेपर में भी लेके आए, और दूसरी बात ये है कि सिंस यू आर यू नो लाइक अभी आपके अंडर ग्रेड के दौरान पाकिस्तान के आपकी अपनी पोजीशन से ऐसे वर्ल्ड इवेंट या हिस्टोरिकल सिचुएशंस होंगी जिनको आप रिलेट कर सकते हैं डिस्पाइट बीइंग अ कॉमन मैन, कि आप उनके साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं. मिस वो 9/11 के साथ रिलेटेड है. 9/11 का इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर खासा स्ट्रॉन्ग था, और नाइन ये आपको तो मैंने नहीं बताना बिकॉज आई हैव नो क्लू कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी फॉर अ फिल्म विद अ पॉलिटिकल बैकड्रॉप अगेंस्ट 9/11, और जिसमें पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जिसमें एक सोल्जर टाइप जो उसके चेंज है. तो यू कैन थिंक अबाउट इट कि 9/11 ने आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या किया और आपको कैसे चेंज किया, इफ़ इट इज़ चेंजिंग पॉलिटिकल एनालिस्ट इनटू अ सोल्जर, या उसके नेशनल इमोशंस को अगर वो सिचुएशंस जो है वो इफेक्ट कर रही हैं, तो हाउ थिंग्स इफेक्ट योर नेशनल इमोशन या आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन आपकी कैसे इफेक्ट होती है. तो ये चीज़ तो आपको देखनी है, और यू कैन थिंक ऑफ अ न्यू क्वेश्चन. अगर आपको आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन को छोड़ दें, यू कैन गो फॉर सम अदर क्वेश्चन. लॉट्स ऑफ पीपल जो हैं वो मैं देख रही थी कि आपके यहाँ काफ़ी सारे लोग जो हैं क्लास में वो बड़े आराम से ये कह देते हैं कि जी मैं आई कैन राइट अ न्यू पेपर ओवर नाइट एंड सबमिट टू यू, जो कि रिप्लेसमेंट होगी मिड टर्म की या किसी और चीज़ की. प्लीज़ रियलाइज के कोई जो है वो एग्ज़ाम या कोई भी रिसर्च पेपर जो है वो ओवरनाइट लिखा ही नहीं जा सकता. ओवरनाइट लिखने की जो भी कोशिश करेगा वो फिर नेट से डेटा सर्च करके उसको अपने वर्ड्स में प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, विच विल बी क्वाइट प्रॉब्लमैटिक. आप लोगों को मैं एक एक महीने का टाइम देती हूँ फॉर योर मिड एंड फाइनल एग्जाम, एंड आई ऑल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योर राइटिंग योर असाइनमेंट्स. तो अगर आप में से किसी को लिख लगता है कि आप ओवरनाइट लिख सकते हैं तो आप नहीं लिख सकते. आपके क्लास में जिन लोगों ने बहुत मेहनत से मिस्टर बीन को एनालाइज किया या टॉम एंड जेरी को एनालाइज किया, आस्क देम, आई थिंक दे वुड टेल यू कि इन्होंने ओवरनाइट काम नहीं किया. दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट दोज इमेजेस कि ये इमेज में क्या चेंज आ रही है, राइट? यासिर, आर यू प्रेजेंट राइट नाउ? सुहेब किरमानी, राइट? यासिर, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट योर राइटिंग एक्सपीरियंस. मुझे बताइए आपको कितना टाइम लगा था फॉर राइटिंग योर पेपर? मैम पहले तो एक तो सोचा, पहले तो टॉपिक डिसाइड करने में बड़ा टाइम लग जाता है कि क्या करें, किस तरह से एनालाइज होंगी चीजें. बाद मैम जब टॉपिक डिसाइड हो जाता है उसके बाद हर सीन को देखना, तो उसके बारे में सोचना कि इसको किस तरह, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं इसमें, मतलब हमने जैसे मैंने टॉम जेरी एनालाइज किया था उसमें सरप्राइज क्या था, उसमें इनकॉन्ग्रुइटी कितनी थी, उसमें और क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं. तो काफी मतलब वक्त लग जाता है पहले तो चीजों को सोचने में. लिखने में कोई टाइम नहीं लगता मैम, लेकिन सोचने में बहुत टाइम लगता है उसमें ना कि किस तरह से एनालाइज करना है, क्या एलिमेंट्स. आपने आपने जो मिड टर्म पेपर सबमिट किया था उसको आपके थिंकिंग और राइटिंग टोटल प्रोसेस का आपका टाइम कितना था? मैम ऑलमोस्ट आप कह लेंगे 5-6 डेज इतना शायद मे बी, राइट? तो ओवरऑल अगर आपको 5-6 डेज लग रहे हैं तो ये आपके 5-6 डेज जो हैं वो नंबर ऑफ अदर डेज पे भी स्प्रेड होंगे ना, क्योंकि आपको बाकी क्लासेस का भी टाइम काम करना है, राइट? तो आप उसको, विच मीन्स के आपको जो है बेसिकली अगर आपको एक पेपर राइटिंग के लिए 5-6 डेज चाहिए तो इट ऑल्सो मीन्स के जब एक महीना पहले स्टार्ट किया है तो आप उन 5-6 डेज को स्प्रेड करेंगे ओवर दैट वन मंथ, ताकि आप बाकी काम में पीछे ना रह जाएं, ठीक है? और फिर लिटरेचर को ढूंढना और लिटरेचर के साथ लिंक क्रिएट करना. मिस्टर बीन पे किसने किया था? इसने किरमानी ने किया था मिस्टर बीन पे? जी मिस करवानी नहीं किया था. हाँ, इज ही देयर राइट नाउ? आई थिंक ही इज नॉट देयर, बट आई यू नो मैं आपसे ये बात सिर्फ इस वजह से कर रही थी कि जो लोग क्लास पार्टिसिपेशन में बहुत अच्छा हिस्सा लेते हैं, एंड आई किरमानी तो मेरे साथ पहली मरतबा एक कोर्स पढ़ रहा था, बट आई रियलाइज कि वो इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहा है क्लास डिस्कशंस में कि उससे उसकी वो जो थिंकिंग स्किल्स आर वेरी ऑब्वियस कि वो कितना
चीज़ों को ना सिर्फ ये कि रिलेट कर सकता है बल्कि उनका कनेक्शन के बारे में सोच सकता है। तो बाकी लोगों से भी मैं यही कह रही हूँ कि थिंक अबाउट इट, कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं उसका किसी सोशल सिनेरियो से क्या रिलेशनशिप होता है। अभी जैसे मैंने कहा कि बोल के अंदर मैंने आपको तीन तीन मिनिमम सिचुएशंस आपको बताई। अच्छा, चौथी सिचुएशन जो बोल के अंदर मौजूद थी वो फ्रॉड का एलिमेंट था कि मौलवी साहब जो हैं वो इतने शरीफ आदमी कंसिडर किए जाते हैं और आखिर में वो फ्रॉड के लिए उनको पकड़े जाते हैं और फिर पैसे देने के लिए जो वो कैरेक्टर है शाही महल का साका कम्स टू हिज हेल्प। तो ये एक और किस्म की कॉम्प्लिकेशन है कि व्हेन समबडी इज इन नीड ऑफ मनी तो वो कोई भी ऐसा काम कर सकता है जो उसको मॉरल करप्शन की तरफ ले जाए और ही कैन गो टू एनी काइंड ऑफ पर्सन फॉर फाइनेंशियल हेल्प। तो क्योंकि वो फिल्म बड़ा क्लियरली दिखा रही है कि मौलवी जैसा आदमी यानी शरीफ आदमी जो है ही गोज टू साका ताकि वो उस अपने महल में अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए ही गेट सपोर्ट फ्रॉम साका, राइट। तो आपको ये करप्शन का एक एलिमेंट और फिर करप्शन के ऊपर ह्यूमन नेचर जो है वो कैसे उस पर रिएक्ट करता है जब आपको ये थ्रेट हो कि यू विल लूज योर रिस्पेक्ट इन सोसाइटी देन व्हाट यू कैन डू। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है बिटवीन ह्यूमन नेचर एंड शराफत और जिसको आप कह रहे थे फ्रॉम पायसनेस टू करप्शन जो मौलवी की मूवमेंट है। यू कैन बिल्ड अप अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट अराउंड दैट इवेंट एज वेल के हाउ बैड सर्कमस्टेंसेस और हाउ अ फियर कैन मेक अ गुड पर्सन करप्ट। क्योंकि मौलवी को जब वो शरीफ आदमी दिखा रहे हैं उसको ऑप्रेसिव तो दिखा रहे हैं लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उसको उसकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इज्जत भी दिखा रहे हैं कि अपनी बेटियों के लिए वो ऑप्रेसिव है बट सोसाइटी अराउंड हिम एंड पीपल अराउंड हिम रिस्पेक्ट हिम अलॉट एंड मौलवी इज एक्चुअली वरीड अबाउट दैट रिस्पेक्ट व्हेन ही गोज टू साका एंड आस्क्स हिम के मुझे पैसे दे दो ताकि मैं मॉस्क में वो पैसे जमा करा के ही कुड रिस्टोर हिज ओन रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। तो ये एक अगेन एक स्टेटमेंट आप इसके राउंड में बिल्डअप कर सकते हैं कि हाउ फियर ऑफ लूजिंग रिस्पेक्ट अफेक्ट्स अ पर्सन एंड व्हाट ही कैन डू अंडर दैट सिचुएशन। तो हम सब मौलवी को एज ऑप्रेसिव रजिस्टर करते हैं तो हम उसमें ये भूल जाते हैं कि द फिल्म इज एक्चुअली शोइंग हिम इज अ गुड पर्सन विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी who comes under the effect of a threatening situation and from that point we see his moral degradation etc. So, कोई और question है about any person's midterm? तकरीबन मैंने आदित से मैंने कहा कि आप लोगों को आपके midterms दे दें अगर आप लोगों को collect करना है तो if you are present on campus any day तो please आदित से अपना exam लेके उसकी pictures खुद ले लीजिएगा because I think it would be very difficult for him कि वो सारी class की जो है वो pictures लेके भेजे। तो मैंने जो है मैंने उसको कहा तो है कि ही शुड ट्राई कि आप लोगों से फीडबैक वो शेयर कर ले। सो ऑल आई कैन से कि आप लोग बेसिकली इफ यू आर कमिंग ऑन कैंपस तो आप अपने मिड एग्जाम की पिक्चर्स खुद ले लें। दूसरी चीज जो है वो ये है कि सारी क्लास की चूंकि प्रॉब्लम्स मिलती जुलती थी अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू पीपल हु नो के थियोराइज किस तरीके से करना है और हु हैव लर्न परहैप्स बेटर देन अदर्स हाउ टू थियोराइज थिंग्स। तो बाकी लोगों का सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि आप लोग थीसिस स्टेटमेंट नहीं देते। फॉर अ थीसिस स्टेटमेंट वुड बी कि जब आपको नजर आया कि फिल्म जो है वो किस सोशल स्नैरियो या इंटरनेशनल स्नैरियो या प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट कर रही है तो दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स यू वुड आल्सो ट्राई थिंकिंग कि देन व्हाट इज माय क्लेम, राइट। फॉर इंस्टेंस अगर फिल्म लाइक खानी इज शोइंग के पुअर मॉरल्स या एग्रेशन जो है ब्रिंग्स नो बेनिफिट टू एनीवन और या फिर उसकी जो दूसरी कैरेक्टर है खानी के हाउ अ वुमन कैन फाइट अ सिचुएशन और हाउ अ वुमन कैन व्हाट अ वुमन कैन डू टू रीस्टोर हर रिस्पेक्ट और हर फैमिलीज रिस्पेक्ट इन सोसाइटी और सोसाइटी में उसको किन किन क्राइसिस का सामना करना पड़ता है तो यू कैन बिल्ड अप अ
स्टेटमेंट अराउंड दैट के सोसाइटी में खानी जैसे जो और कैरेक्टर्स हैं या व्हाट प्रॉब्लम व्हाट काइंड ऑफ क्राइसिस पुअर पीपल हैव टू फेस, उसको आप फिर बिल्डअप करेंगे और एंड यू विल थियराइज के ऐसी सिचुएशन में व्हाट अ कैरेक्टर डस और व्हाट अ कैरेक्टर कैन डू. जी कोई और क्वेश्चन है अबाउट मिड टर्म? मैम मैंने ये बात करनी थी कि मुझे आपने प्रेजेंटेशन में जो ग्रेड दिया है वो आपने मुझे एज अ रिटर्न उसमें आपने नहीं दिया. मैं आपको बता देती हूँ रईसा, आपके लिए तो ओवरनाइट भी नहीं. लिसन आपने, आई कैन अंडरस्टैंड कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, आपके असाइनमेंट्स में मार्क्स अच्छे हैं, आपकी सारी असाइनमेंट्स में मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन आपका मिड में, आई कैन अंडरस्टैंड कि मिड में आपका बहुत अच्छा ग्रेड नहीं है, एंड आई नो कि यू कैन वर्क ऑन योर मिड पेपर. अगर आप उसी को फाइनल में चेंज कर रही हैं और अगर किसी नए क्वेश्चन पे कर रही हैं तो आई नो कि यू कैन डू गुड वर्क एज वेल. अब आपको, आप अकेली स्टूडेंट नहीं हैं, दो तीन और स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैंने प्रेजेंटेशन में अच्छे नंबर दिए हैं. इवन प्लीज अंडरस्टैंड कि एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैंने प्रेजेंटेशन में B-, B- दिया, लेकिन मिड में मुझे उनको फेल करना पड़ा. आपकी थैंकफुली ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है. जब स्टूडेंट्स अपनी मिड प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो जब मुझे ये लगा कि इसमें शॉर्टफॉल है, स्टूडेंट्स ने थियराइज नहीं किया, स्टूडेंट्स ने लिटरेचर नहीं डिस्कस किया, तो मैंने स्टूडेंट से प्रेजेंटेशन के दौरान इंसिस्ट किया कि वो किसी न किसी रिसर्च पेपर को खोल के दे ट्राई क्रिएटिंग अ कनेक्शन बिटवीन अ सिचुएशन फ्रॉम द फिल्म एंड द पेपर दैट वी हैड ओपन्ड ऑनलाइन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो जिन लोगों के ने उस दौरान प्रेजेंटेशन के दौरान व्हेन आई आस्क्ड देम टू मेक दिस कनेक्शन एंड दे मेड दैट कनेक्शन ड्यूरिंग देयर प्रेजेंटेशन, तो मैंने उनको फिर प्रेजेंटेशन पे अच्छा ग्रेड दे दिया. राइट, सो यू शुड अंडरस्टैंड कि जो आपकी भी प्रेजेंटेशन थी, यू रिमेम्बर कि जब आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई थी तो उसके बाद काफी देर तक आई केप्ट ऑन आस्किंग अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू एंड आई केप्ट ऑन आस्किंग के जी इसको थ्योरेटिकली या इसको हम कैसे करेंगे. तो चूंकि आप प्रेजेंटेशन के दौरान व्हेन आई वाज आस्किंग यू क्वेश्चंस, यू वर रिस्पोंडिंग टू दोज क्वेश्चंस एंड यू वर ट्राइंग टू बिल्ड अप अ थ्योरेटिकल कनेक्शन. आपने प्रेजेंटेशन के दौरान मेरे क्वेश्चंस को जब अच्छा रिस्पॉन्ड किया और उन क्वेश्चंस के जवाब में थ्योरेटिकल लिंक क्रिएट किया, तो उसकी वजह से मैंने आपको प्रेजेंटेशन में अच्छा ग्रेड दिया. इज दैट क्लियर? और मिड के बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं थे, मिड एग्जाम के मार्क्स जो थे आई थिंक के शायद 15 मार्क्स थे और 10 मार्क्स थे प्रेजेंटेशन के. लेट मी चेक कि मिड को हमने किस तरीके से फ्रेम किया था. सो दैट इज द रीजन कि आपको प्रेजेंटेशन में मैंने ज्यादा मार्क्स क्यों दिए. प्रेजेंटेशन में इसलिए ज्यादा मार्क्स दिए कि व्हेन आई आस्क्ड यू क्वेश्चंस you responded to those questions and you created a theoretical link. देखें आप यहाँ पे लिखा हुआ है 25 marks हैं mid के, जिसमें शायद 10 marks जो हैं, all right. इसमें presentation को हमने अलग से 10 पे नहीं किया हुआ, all it says के 25% marks हैं for midterm. ओके, सो बेसिकली आपका तो सिर्फ यही है कि व्हेन यू इंप्रूव योर पेपर आर यू वर्किंग ऑन द सेम क्वेश्चन और अ डिफरेंट क्वेश्चन फॉर योर फाइनल. या मैम मैंने सोचा है कि मैं सेम क्वेश्चन पे वर्क करूंगी लेकिन फ्रॉम माय न्यू पॉइंट ऑफ व्यू. ऑलराइट, न्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगी या पुराने वाले क्वेश्चन पेपर को किसी हद तक यूज करेंगी या नहीं करेंगी? नहीं नहीं मैम, मैं पुराने पेपर को यूज नहीं करूंगी, मैं न्यू कॉन्सेप्ट से करूंगी. अच्छा, तो कौन सी फिल्म पे आपने किया था? मिड टर्म में. जी जी मैम, मिड टर्म में मैंने किया था इंडियन मूवी जो है ये जवानी, उस पे रणवीर कपूर जो है बनी. आई क्रिएटेड myself. हाँ, सो आई थिंक कि आपको जो ये आपका मैंने मिड खोला यहाँ पे, ठीक है. जी जी तो ये जवानी, हाँ,
आप तो बहुत, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी टॉपिक, आपको मूवी का नाम अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कैरेक्टर सिलेक्टेड रणबीर कपूर को इस तरह देने की जरूरत नहीं है, मूवी इंट्रोडक्शन की हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, राइट? अगर अगर आपके पास आपके आपका कोई भी पुरानी असाइनमेंट मौजूद है फ्रॉम फॉर एग्जांपल जेंडर एंड मीडिया, तो आप देखेंगे कि हम जो थ्योरी का जो है पेपर एक खास तरीके से स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आपको इसको डायरेक्ट सिर्फ ये जवानी है दीवानी, इसको आपने इटैलिक्स पे लिखना है. इट वॉज वेरी नाइस टू सी कि आपने उसके बाद ट्रांसलेशन लिखी, राइट? पीपल डू नॉट रिमेम्बर के जब आप अंग्रेजी में एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो तो कोई भी चीज जो किसी और लैंग्वेज में है आपको उसको स्क्वेयर ब्रैकेट में उसकी ट्रांसलेशन ऐड करनी है. ये आप देख रहे हैं कि ये राउंड ब्रैकेट है, राउंड है, राइट? तो जो ट्रांसलेशन है वो स्क्वेयर ब्रैकेट में इसलिए आती है क्योंकि दैट एक्चुअली टेल्स, यहाँ पे तो खैर चले राउंड में भी ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रांसलेशन किसी डायलॉग के बाद डाल रहे हो तो उसके लिए आप स्क्वेयर ब्रैकेट ही यूज करिएगा क्योंकि दैट इज स्टैंडर्ड फॉर एपीए. ओके? और कोटेशन में भी अगर आप कोई वर्ड अपने पास से ऐड कर रहे हो और कोटेशन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप स्क्वेयर ब्रैकेट ही यूज करते हैं. तो मैं सिर्फ उसमें के आपको, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन में ज्यादा मार्क्स क्यों दिए. और yes, ma'am, I get it. जी के, और आप, आई सेड यू आर नॉट द ओनली वन, देयर आर अदर स्टूडेंट्स आल्सो जिनको मैंने प्रेजेंटेशन में एक्चुअली आई हैव ग्रेडेड देम बी बिकॉज आई वाज आस्किंग देम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन एंड दे रिस्पोंडेड टू दोस थ्योरेटिकल करेक्शंस क्वेश्चंस. अनफॉर्चुनेटली दे गॉट एफ इन देयर मिड टर्म, क्योंकि मिड टर्म पेपर के अंदर मुझे थ्योरेटिकल कनेक्शन नहीं नजर आया और जो था असाइनमेंट में तो मैंने किसी को एफ नहीं दिया था क्योंकि असाइनमेंट के गोल्स फर्क थे. असाइनमेंट का गोल था कि इफ पीपल कैन आइडेंटिफाई और नॉट, राइट? बाय द टाइम वी मीट, हाँ मैंने उस वक्त भी कहा था कि कोटेशंस दिया करें. बाय द टाइम वी वर अटेम्प्टिंग मिड टर्म एग्जाम इट वाज एब्सोल्युटली एसेंशियल कि पीपल कैन यूज थ्योरी एंड डिस्कस थ्योरी and create a connection between a situation in the film and the theory or quotation selected. ठीक है, तो वो चीजें इम्पोर्टेंट हैं. मतलब आप उसको जब फाइनल पेपर आप अपना लिखेंगी, अगर आपका फाइनल पेपर बेहतर है तो यू नो आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड इट के अगर फाइनल ड्राफ्ट ऑफ पेपर इज बेटर तो आई हैव ऑलवेज considered कि मैं फिर better grade को consider कर लूँ for overall grade in the semester. तो वो option तो आपको मैं जहाँ तक possible हुआ I will try giving you that leverage. ठीक है? Any other question? Anyone? Okay, thank you. Maybe. जी हुमायूं. मैम मैं भी पिछले टॉपिक पे गा रहा था तो मैं सिर्फ मूवी चेंज करके तो कर सकता हूँ ना उस पे? आप मूवी चेंज किए बगैर भी कर सकते हैं. मूवी चेंज किए बगैर भी कर सकते हैं. मैम मुझे भी फीडबैक नहीं मिली तो फिर मुझे वो कंफ्यूजिंग बड़ा हो जाएगा कि शायद वही गलतियां दोबारा. मैंने आपको आई कैन ट्राई फाइंडिंग योर पेपर, मेरे पास ये सारी चीजें पड़ी हुई है मेरे सामने. मैं I was just trying to see कि आपका रोल नंबर क्या है. F201-094. आपका जो प्रेजेंटेशन में तो आपके जो है आपकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी थी. आपने जो प्रेजेंटेशन दी वो बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, क्लास प्रेजेंटेशन, ठीक है. लेकिन आपकी जो फीडबैक जो है ये मैं लेट मी फाइंड, क्योंकि किसी एक आपने किस टॉपिक किया था मैम? कैरेक्टर को कांटे, कैरेक्टर रिलेटेड किया था जो रिलेट करता है कांटे मूवी पे. कांटे पे जी मैं इस वक्त लेट मी ट्राई फाइंडिंग योर एग्जाम. यहाँ पे काफी ज्यादा एग्जाम्स हैं और उसके बीच में जो है हुमायूं शाहिद आपने बताया ना? यस मैम.
आई थिंक बेसिकली जनरली फीडबैक वही है जो मैंने आपसे भी कहा कि आपको जो है जो आपके इसमें कि आपको अपना जो थियोराइज करने का जो काम है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. आई सी कि आपने कोहन को भी कोट किया हुआ है और कोहन और ग्रीन ब्रॉक वगैरह इन लोगों के मुझे आपके पेपर में ये नजर तो आ रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू से कि जी कोहन ने क्या किया और मुख्तलिफ लोगों ने yes, क्या किया. एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि ये लोग जो हैं ये थ्योरी वाइज ये लोग अच्छा थ्योरेटिकल काम करते हैं. सो बेसिकली आपको मेरी चूंकि प्रेजेंटेशन आपकी बहुत yes, और आपका ये थ्योरेटिकल कनेक्शन मुझे थ्रू आउट पेपर नजर आ रहा है तो आपने सिर्फ उसी चीज के ऊपर आप एक तो वही फोकस करें जो मैंने आपसे कहा कि आपका मेन थीम आपका क्या है आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन है. yes, आपने कांटे के ऊपर किया ना तो आपने बेसिकली आपने जी, सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है कि सिचुएशंस जो है मैंने बार बार कहा कि फिल्म के अंदर में से अंदर से कोई पर्टिकुलर सीन्स उठाए राइट. जब आप फाइनल एग्जाम अगर आप इसी के ऊपर भी करेंगे अगर इफ यू कंटिन्यू डेवलपिंग द सेम एग्जाम फॉर योर फाइनल तो मैं आपसे ये कहूंगी कि कोई एक या दो सीन्स इन डिटेल डिस्कस करें राइट. कांटे का कोई ना कोई सीन ऐसा होगा जिसमें आपको नजर आ रहा है जो आपके पेपर का मेन पॉइंट है वट एवर इज योर थीसिस स्टेटमेंट और क्लेम. कांटे का कोई सीन उस थीसिस स्टेटमेंट पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा उस सीन की डिटेल्स उसमें डालें कि उस सीन में कैरेक्टर्स ने क्या किया उस सीन में कैरेक्टर्स ने किस तरह की बातें की उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी. उस पर्टिकुलर पार्ट को अगर आप डिटेल में अगर आप कर लेते हैं तो आई थिंक दैट वुड बी नाइस. असाइनमेंट्स जो हैं आपकी असाइनमेंट टू जो थी वो मुनासिब थी लेकिन आपकी असाइनमेंट वन जो है वो मेरा ख्याल है कि कोई इतनी अच्छी नहीं थी और सेमेस्टर के स्टार्ट में मैंने लोगों को कहा था कि वो अपनी असाइनमेंट जो है वो वन को एज सुन एज उसको आई थिंक हमने काफी चांसेस दिए थे टू एवरीवन टू प्रेजेंट ऑन देयर असाइनमेंट वन. आपने उस चांस को अवेल नहीं किया था. सो योर आई हैव योर असाइनमेंट टू लेकिन आपसे मैं ये कह रही हूँ कि आपने असाइनमेंट वन को जब हमने कहा कि यू डिस्कस इन क्लास आपने उसको डिस्कस नहीं किया. ठीक है मैम शुरू वाले दिनों में वो तबीयत खराब थी इस वजह से मैं क्लास ले नहीं सका था. शुरू वाली क्लासेस मेरी काफी मिसिंग है. आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है क्या? नहीं मैम अटेंडेंस मेरी शुरू में मेरी 6 एब्सेंट हो गई थी तकरीबन लेकिन उसके बाद से मेरी कोई क्लास मिस नहीं है. बस आप फाइनल एग्जाम के लिए जनरल फीडबैक मेरा यही है कि मेक श्योर थ्योरी आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं विच इज नाइस. सिचुएशंस आपने कोई पर्टिकुलर सीन अगर डिटेल में नहीं डिस्कस किया एंड इट इज रेलेवेंट टू योर थीसिस स्टेटमेंट एंड ओवरऑल क्लेम तो आई वुड से कि उसको जरूर डिस्कस करें. ठीक है मैम जी. एनीबॉडी एल्स? यस मैम. जी अब्दुल्ला. जी हादी. मैम वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन माय रिसर्च पेपर? असल में फिर वही बात हो जाएगी कि मुझे रिसर्च पेपर इस ढेर में से ढूंढ के निकालना पड़ेगा. आपका कैंप आपका हाँ आपके रिसर्च पेपर में सिर्फ एक प्रॉब्लम है. यू हैव टू सी मी इन पर्सन. या तो आप मुझे इन पर्सन मिलें और या फिर आप मुझसे जूम मीटिंग में ही डिस्कस कर लें आफ्टर दिस क्लास व्हेन एवरीवन एवरी स्टूडेंट लीव्स. ठीक है क्योंकि आपके तमाम असाइनमेंट्स में यू आर वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स इन ऑल असाइनमेंट्स लेकिन आपका जो मिड था उस पे आई हैव अ सीरियस क्वेश्चन और आई वांट यू टू सी मी एंड आई वांट यू टू टॉक टू मी. ठीक है जिस स्टूडेंट को आप ये याद रखिएगा जब स्टूडेंट क्लास में सबसे अच्छा एग्जाम सबमिट कर रहा होता है ना तो देन सर्टेन क्वेश्चंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ दैट स्टूडेंट हाउ वेल दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स द थ्योरी. तो आपके लिए आई हैव अ क्वेश्चन ऑन योर मिड टर्म एंड यू हैव टू स्पीक टू मी. ये मैंने आपके इनफैक्ट आई वॉज गोइंग टू आस्क आतिर कि वो आपसे मेरी जूम मीटिंग कराए और या फिर अगर आप कैंपस पे आ रहे हैं तो यू कम एंड सी मी. ओके मैम.